सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं लवांश, आप देख रहे हैं लवांश ट्रैवल व्लॉग्स। ये है व्लॉग नंबर 5। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक कीबोर्ड के अनबॉक्सिंग जो फोल्डेबल है, वाटरप्रूफ है और साथ ही साथ मैं उसको फोल्डर कहीं भी रख सकता हूं। फिलहाल तो इस बॉक्स के अंदर वो कीबोर्ड रखा है, अभी हम उसको अनबॉक्स करने वाले हैं। आज हम मेनली यही करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पहले तो मैंने भी इसको एक बार भी खोल के देखा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि कहीं से भी खुला नहीं हुआ है पैकेजिंग। ये मैं छुपा लूंगा थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। ये इसके कट लगा दिया है, ये फेंक देते हैं और अब खोलते हैं। तो गाइस ऐसा ज्यादा अपना कीबोर्ड है, खुद ही फोल्ड हो गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी इसकी पैकेजिंग थोड़ी अच्छी करके तो नहीं दिया फ्लिपकार्ट वालों ने, मेरे को फ्लिपकार्ट वालों से इस बात से कंप्लेंट जरूर रहेगी, लेकिन चलो चलता है, कोई नहीं। मैंने इसका बॉक्स खोल लिया है और कुछ ऐसा सा आया है अपना कीबोर्ड। ये देखो ऐसा सा कीबोर्ड है और ये पूरा फोल्ड हो जाता है बॉक्स, इसको ऐसे निचोड़ लो, कुछ ही कर लो। ये देखो पूरा फोल्डेबल। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, तो चलिए अब इसको चला के देखते हैं। सुबह देख सकते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैंने इसको अभी टेस्ट करके देख लिया। लोगों मैं अभी तुम्हें भी दिखाता हूँ, मैं यूट्यूब पर कुछ सर्च करने वाला हूँ, तो अब हम करेंगे इस पर सर्च। ये देखो मैं इसी कीबोर्ड की मदद से सर्च कर रहा हूँ। ये चलाने में काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा मैकेनिकल कीबोर्ड से थोड़ा कम, क्योंकि ज़्यादा तेज प्रेस करना पड़ रहा है मेरे को, पर अच्छे से चल रहा है। अब मैंने अपना चैनल निकाल लिया है, अब इस पर हम दबाएंगे यहाँ पे एंटर। वहाँ पे एंटर हो गया है। अब देखिए मैं इसको करने वाला हूँ, नीचे नीचे हो रहा है, आराम से स्लाइड हो रहा है, तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बेसिकली मेरा इसको मंगवाने का पर्पस ये था कि अगर मेरे को अगर इसको यूज़ नहीं करना है तो मैं इसको यूं ऐसे करके फोल्ड करके यहाँ सामने कहीं रख दूँ, और अगर मेरे घर में मेरा छोटा भाई भी है तो फिर क्या होता है जब वो यूज़ करता है इसको, तो मतलब वो कभी कभार इसमें कुछ मार देता है, लाके पानी गिर देता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इस वीडियो को मेरे वीडियो चल गई थी बैकग्राउंड में, सॉरी उसको रोकना पड़ेगा। तो कुछ यही था अपना कीबोर्ड, तो चलिए आउटर शूट करते हैं। तो गाइस ऐसा था कुछ अपना कीबोर्ड, तो अब तुमसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर तुमने मेरे पिछले व्लॉग नहीं देखी तो उनको भी जाके देखो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग लवांश ट्रैवल व्लॉग्स।